अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिबी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब जी। नाजरीन, अलअदम जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट के नजर सानी बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया। पेशी के मौका पर कारकुनान ने फूलों की पत्तियां फेंक कर शानदार इस्तकबाल किया। पेशी के दौरान सैकड़ों कारकुनान अदालत के बाहर मौजूद रहे। लाहौर हाई कोर्ट के नजरसानी बोर्ड ने पंजाब हुकूमत की तरफ से नजरबंदी की तोसी की इस्तदा को सर्द करते हुए सरबराह तहरीक लबैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी को 10 जुलाई को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर अजलस शूरा ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी नजरबंदी खत्म करने और रिहाई के ऑर्डर का खैर मकदम करते हैं और आजाद अदलिया से इंसाफ की मुकम्मल उम्मीद रखते हैं। अरकीन मजलिस शूरा ने कहा कि शाहजादा साद हुसैन रिजवी की पेशी के मौका पर इंतजामिया और पुलिस की तरफ से जिम्मेदारान और कारकुनान को मुलाकात ना करने की भरपूर मजम्मत करते हैं। अपने कायद से मिलना हमारा आईनी कानूनी और जमहूरी हक है। इसको इंतजामिया की तरफ से सलब किया गया। इंतजामिया की तरफ से ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है। नाजरीन, आज की थी ये हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये आपको इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से आपका क्या इजहार राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।